खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली। बरेली के थाना शीशगढ़ की रहने वाली एक विवाहिता ने ससुरालियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता की माने तो ससुरालियों ने दहेज के लिए उसे और उसके भाई को बुरी तरह पीटा। लाल देही पुत्री चुन्नी लाल की शादी थाना शीशगढ़ के रहने वाले हरिओम से 3 साल पहले हुई थी। विवाहिता के परिवार वालों ने दहेज में 50,000 रुपए नगद समेत एक सोने की अंगूठी, एक बाइक और 1.5 लाख रुपए कीमत का घरेलू सामान दिया था, लेकिन विवाहिता का पति और सास ससुर उससे संतुष्ट नहीं थे और पीड़िता से दहेज में 70,000 रुपए के साथ एक भैंस की मांग करने लगे थे। पीड़ित ने अपने भाइयों और माता पिता को ये बात बताई तो उन्होंने ससुराल वालों को समझाने का प्रयास किया। मेरे भाई, मेरे भाभी के लड़की का जन्म हुआ था। मेरे भाई बुलाने गए थे मुझे, तो भाई ने को मना कर रहे थे। मैंने कहा मैं जाऊंगी, तो वो मना कर रहा था। इतनी देर में फिर मुझे मारन लगे, फिर मेरे भाई ने मुझे सोचा मैं बचा लूं, फिर मेरे भाई को सब लोग लिपट गए मारने के लिए। मुझे मारा, मेरे भाई को मारा, मेरे देवर थे, सास थी, डंडों से मारा। भेजने को मना कर रहे थे, मैंने कहा मैं जाऊंगी, मुझे भेजते नहीं है। मेरे मैके मांग करते हैं, जेवर मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, कहते हैं लेके आपने मैके से, मैं कहाँ से लेके आऊँ बताओ। शादी हुई है जब से परेशान कर रहा है मुझे। पीड़िता का भाई राम भरोसे बीते 15 तारीख को अपने बेटे के नामकरण के लिए बुलावा देने आया, लेकिन ससुराल वालों ने पीड़िता को भेजने से मना कर दिया। साथ ही गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की। दोबारा बहन के ससुराल आने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। आरोप है कि पीड़िता और उसके भाई की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गई, ना ही मेडिकल कराया गया, केवल पति की शांति भंग में चालान थाना शाही पुलिस ने कर दिया। लिहाजा अब पीड़ित ने आरोपी ससुराल वालों पर सख्त कार्यवाही की मांग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।